सो हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त के राजा कुमार और इस वक्त है हम मैक्रोज में और हमारे साथ है सिंगम दुबे जी। तो जैसा कि हम लोग अंडमान ऑनलाइन चैनल पे पहले बोले थे कि सिंगम दुबे जी को जरूर हैवलॉग बहुत सारे जितने भी इंटर आइलैंड टूरिस्ट डेस्टिनेशन है हम लोग लेके जाएंगे, एक्सप्लोर कराएंगे और बहुत सारे जो पब्लिक ओपिनियन है हम लोग वो भी लेंगे और मैक्रोज का भी जो पब्लिक जो बैठे हैं उनसे भी बहुत सारा सवाल करेंगे। एंड आई वॉन्ट टू थैंक ऑल माई स्पॉन्सर्स, जितने भी वीडियो के नीचे पे आप लोग स्पॉन्सर्स देख रहे हैं उन सभी को मैं थैंक यू बोल रहे हैं। विदाउट योर सपोर्ट इट इज नॉट पॉसिबल। एंड जितने भी अंडमान निकोबार के व्यूअर्स है और बाहर से भी व्यूअर्स है मैं सभी को थैंक यू करना चाहता हूँ। सो दुबे जी, ओवर टू यू। आप लोगों ने मेरा रिंग में तो एक्शन बहुत देखा होगा लेकिन ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग जो होता है वो अब देखोगे आपके अपने अंडमान ऑनलाइन चैनल के थ्रू। चलिए हम अंडमान में आए घूमने एक जो टूरिस्ट है। सर पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ, आप कहाँ से हैं? तो मेरा नाम श्रीनिवास है, मैं दिल्ली से हूँ। तो मैं कल इवनिंग को अंडमान में लैंड किया। बहुत सुना था ओवर द पीरियड ऑफ इयर्स अंडमान बहुत ही अंडररेटेड टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। आई थिंक सो इंडिया में, मेनलैंड इंडिया में बहुत लोग बाहर जाते हैं, मालदीव्स, फिलीपींस और वो सब, अगर उनको ट्रॉपिकल आइलैंड देखना है। बट आई थिंक सो जितना मैंने ऑनलाइन रिसर्च किया ड्यू टू द इंटरनेट एंड ऑल, आई फाउंड दैट अंडमान इज़ एज गुड एंड आई थिंक सो लिटिल बिट बेटर, क्योंकि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारी कंट्री फूड, जो खाना मिलता है, जो लोग हैं, द लैंग्वेज बैरियर इज़ नॉट देयर। तो उसी लिए मैंने डिसाइड किया कि मैं वन वीक क्या क्या आराम से अंडमान आऊँगा रादर देन गोइंग आउटसाइड। एंड आई थिंक सो टिल नाउ इट्स बीन अ वेरी गुड डिसीजन। आई थिंक सो इट्स वेरी क्लीन, बहुत ही साफ है, बहुत ही अच्छे लोग हैं और द ओवरऑल एनवायरनमेंट हैज़ बीन वेरी पॉजिटिव, इट बीन वेरी हेल्पफुल। एंड यूजुअली बाहर, क्योंकि मैं फ्रीक्वेंटली बहुत ट्रैवल करता हूँ, सो आई हैव एन आइडिया लॉट ऑफ टूरिस्ट ट्रैप्स वो सब होते हैं बाहर जो मैंने लकीली अभी तक यहाँ देखे नहीं है। सो आई थिंक सो इट्स अ वेरी वार्म प्लेस एंड द लास्ट 12 आवर्स दैट आई हैव बीन हियर, इट्स अ शॉर्ट टाइम बट आई फील इट्स अ वेरी नाइस प्लेस टू बी। तो मैं एक्चुअली रिकमेंड करूँगा पीपल शुड मेक अ ट्रिप हियर बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी फैमिली फ्रेंडली फॉर बैचलर्स, फैमिली फॉर एवरीवन, बहुत अच्छी जगह है, बहुत साफ है, बहुत ईजिली कनेक्टिविटी है, मतलब और इतना बड़ा है ये आइलैंड्स, क्योंकि लोगों को बहुत ज़्यादा पता नहीं है, इवन द नॉलेजेबल पीपल को सिर्फ पोर्ट ब्लेयर ही पता, क्योंकि मैं यहाँ आया हूँ मुझे पता चला हैवलॉक, नील, ऐसे इतने सारे आइलैंड्स हैं, इतनी सुंदर सुंदर जगह हैं और यहाँ बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सिर्फ इधर इस आइलैंड के ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में होती, जो शायद बाहर भी ना मिलती हो। सो आई थिंक सो मैं तो 12 घंटे बहुत बड़ा फ़ैन हो गया और मैं तो स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा आप अपने फ्रेंड्स को एंड आपके ऑब्वियसली व्यूअर्स को भी टू टेक सम टाइम आउट, टेक वन वीक एंड एक्सप्लोर अंडमान इन फुल। थैंक यू सर मुझसे बात करने के लिए और हमारे अंडमान ऑनलाइन चैनल से बात करने के लिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। सर मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम राजगोपाल है। आप कहाँ से आए हैं सर? सरोजा है, वी कम फ्रॉम दिल्ली, दोनों दिल्ली से आए हैं। हम पहली बार अंडमान निकोबार सर टूरिस्ट विजिट करने के लिए आए हैं। हमें बहुत खुशी हुई है अंडमान हम आए हैं, क्योंकि हमने पहले सिंगापुर, मलेशिया, कुआलालंपुर, हांगकांग सब देख लिया। अंडमान इतना ब्यूटीफुल प्लेस है, ग्रीनरी है, ब्यूटीफुल बीचेस आर देयर, इट्स अ यू डोंट हैव टू गो अब्रॉड एंड द पीपल हियर, द लोकल पीपल, द टूरिस्ट स्टाफ, राइट फ्रॉम योर चेक इन काउंटर एट द अरेवल एट पोर्ट ब्लेयर, ऑल आर वेरी वेरी हेल्पफुल, very disciplined and very polite, and the quality of service in the hotel, in see we went to Ross Island, we went to North Bay Island, we went to Cellular Jail, we went to the Anthropological Museum, we went to Corbin Cove, we went to Chidiya Tapu Sunset. Uniformly the staff everywhere, they were very kind and very polite and very helpful. We are going to recommend all our friends to visit Andaman. उसको जरा अब थोड़ा सा जरा रास्ता ना अब क्लियर करेंगे तो वो अच्छा होगा। आप क्वेश्चन पूछ रहे थे इम्प्रूव किस, ये मेरी सजेशन, नॉर्थ बे आइलैंड में कोरल रीफ स्टोन है ना, बहुत ज़्यादा है, जब फ्लोटिंग जेटी है जहाँ से आप जमीन पर पैर रखेंगे वहाँ थोड़ा थोड़ा उसको साफ करके और अब यू नो 65-70 थोड़ा वो करेंगे तो अच्छा रहेगा। थैंक यू सर हमसे बात करने के लिए। हम लोग का शादी एक साल पहले हुआ था लेकिन उस टाइम कोविड सब था, तो ये एक्चुअली डिलेड हनीमून है हम दोनों का। सर आप यहाँ पे कितने दिनों के लिए विजिट किया आप लोगों ने? हम लोग 6 दिन के लिए आए हैं, अभी कल पहुँचा है, अभी आज हैवलॉक जाएगा, उसके बाद नील आइलैंड विजिट करेगा, उसके बाद वापस पोर्ट ब्लेयर और वापस घर।
आप लोगों ने कल विजिट किया, तो आप लोगों ने क्या क्या देखा यहाँ पे कल? एक्चुअली कल हम लोग ने दोपहर को ऑलमोस्ट 4 बज चुका था, तो इधर 5 बजे सब कुछ बंद होता है अभी कोरोना के वजह से। तो हम लोग फिर वो सीशल रेस्टोरेंट में गया, उधर बार टाइप रेस्टोरेंट था, व्यू सही है, अच्छा रेस्टोरेंट था, तो पूरा रात उधर ही बिताया था, फिर वापस आया। आज सुबह हम लोग सेलुलर जेल विजिट किया और बहुत कुछ देखा उधर। एक्चुअली हम लोग पहला मालदीव्स के लिए प्लान किया था, लेकिन इधर आने के बाद पहले ही जब फ्लाइट जब लैंड करते वक्त बाहर देखा, तो वो आइलैंड सब देख के इतना खुश हुआ, और मैं उसी टाइम पोस्ट किया इंस्टाग्राम पे कि अंडमान वेलकम्स विद अ व्यू करके, सही जगह है। और मैं रिकमेंड करेगा कि दूसरा देश में जाने का ज़रूरत नहीं है, अगर बीचेस देखना है तो अंडमान सही जगह है बजट ट्रिप के लिए। चलिए, मैं बहुत देर से मैम को देख रहा हूँ, ये कुछ कहना चाहती हैं हमसे? As of now, we feel it is a safe place for couples to come around and many more places to explore around. So we feel good here. It's a good place and nice place to be here. ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലമാണ്, നല്ല വ്യൂ ഉണ്ട്, പിന്നെ ഫാമിലി ആയിട്ടൊക്കെ വന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി സ്ഥലം. പിന്നെന്താ, നമ്മൾ വന്നിട്ട് ഇനി വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉണ്ട് സ്ഥലങ്ങൾ. ഇതുവരെ ഹാപ്പിയാണ്, വളരെ സേഫായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തു. ദെൻ ഫുഡൊക്കെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ദെൻ നമുക്ക് ആകം മൊത്തം സൂപ്പർ. മാം, ആപ് കഹാൻ സേ ആയി ഹുയി ഹൈ? ഹരിദ്വാർ ഉത്തരാഖണ്ഡ്. ഹരിദ്വാർ ഉത്തരാഖണ്ഡ് സേ ആപ് ആയി ഹൈ, ആപ്കാ നാം? राशि. पे आके आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत क्लीन सिटी है, बहुत बहुत सुंदर है, बहुत पीस है यहाँ पे, बहुत अच्छा है ओवरऑल. और अभी आप यहाँ पे अंडमान में कहाँ कहाँ घूम चुकी हैं? अंडमान में हम रॉस आइलैंड गए थे, नॉर्बे गए थे, नॉर्थ बीच पे चिड़िया टापू गए थे. हमारे साथ सर जी भी हैं यहाँ पे. सर जी सर, आप कहाँ कहाँ, आप मैंने सुना कि आप साइड से कुछ कुछ बोल रहे थे. मैं अपनी वाइफ को थोड़ा सा हेल्प कर रहा था इंटरव्यू में, आपका सपोर्ट कर रहे थे. जी जी बिल्कुल. हाँ, कभी खुशी कभी गम चल रहा. देखिए, पॉजिटिव पॉइंट्स तो सर ये हैं कि जो कोविड के प्रति यहाँ पे प्रशासन ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने जो मैनेजमेंट किया हुआ है, उसी रीज़न की वजह से ये स्टेट जो है, यूनियन टेरिटरी जो है, कोविड फ्री हो पाई है. क्योंकि इतनी स्ट्रिक्टनेस, इतनी अवेयरनेस, और RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट के लिए जो वहाँ पे स्ट्रिक्टनेस हुई है, इसी वजह से ये प्रदेश कोविड फ्री हो पाया है. और ये बहुत ही अच्छा है, यहाँ के लोग भी बहुत अवेयर हैं कोविड के प्रति आज के टाइम में, जो बहुत ज़रूरी है. और मैं ये कहना चाहूँगा कि और भी स्टेट्स को ये चीज़ फॉर गाइडलाइंस सरकार की फॉलो करनी चाहिए. और अंडमान से एक मैसेज ज़्यादा लेके जाऊँगा कि यहाँ पे कोविड के प्रति अवेयरनेस बहुत अच्छी है. नेगेटिव पॉइंट अभी तक यहाँ कुछ नहीं लगा है मेरे को ऐसा. ट्रैवल्स के लिए क्राइम फ्री स्टेट है, और बहुत कुछ, सब लोग बहुत हेल्पफुल हैं, अच्छे हैं, केयरिंग है. चलिए, अब हम जानते हैं यहाँ पे कई सारे लोग हैं, जैसे आप देख रहे हैं हैवलॉक जाने के लिए तैयार हैं लोग. चलिए, हम एक छोटी सी प्यारी सी गुड़िया से बात करते हैं. आपको यहाँ पे आके कैसा लग रहा है? या बहुत अच्छा लग रहा है. आइलैंड नो, ये सी कलर बहुत अच्छा है. आप यहाँ पे कितने दिन के लिए आए हुए? 1 week, 4 days. So my entire trip would be around 5 days. बहुत अच्छा है. अभी ये मेरा सेकेंड डे है, आज मैं क्रूज में क्रूज करने वाला हूँ. मैं, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम क्रूजिंग इन ए फेरी, सो आई एम वेरी एक्साइटेड. या वैसे आप लोग आए कहाँ से हो? हम हैदराबाद से हैं, तेलंगाना. आप लोगों ने पढ़ा होगा अपने ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में, कि अंडमान ऐसा है वैसा है. जब आप देख रहे हो उसे रियलिटी में, तो कैसा लग रहा है आप लोगों को? या बचपन में तब सोशल में हम पढ़ते थे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के बारे में, तब वो हमें लगता था कि ये बहुत दूर का कुछ प्लेस है, बट ये हमारे इंडिया का है. और आने के बाद जब मैं देखा ये फर्स्ट फ्लैग होस्टिंग पॉइंट इन द कंट्री, एंड अदर हमारा फ्रीडम फाइटर्स, उनका हिस्ट्री और सेलुलर जेल, ये सब देखने बाद मैं बहुत यू नो इमोशनल हो गया, पेट्रियोटिक हो गया. बहुत अच्छा लगा मेरे को. अंडमान मेरा विशलिस्ट में कभी से भी था, ये प्लेस देखना है करके. व्हेन आई केम हियर, यू नो, वेरी ब्यूटिफुल बीचेस, फैंटास्टिक सीनरीज, and also the islands are you know very much developed. And yeah, aur aaj Makruz mein jaane wale hu, aur kuch improvements bole to I think this place, as Makruz is a very good ship, I mean they are providing very good facilities, ye particular ye jo terminal hai aur improve kar sakte hai, aur acha hoga tourist ke liye. You know, I follow YouTube, being from this generation, you know,
YouTube is a very good medium to convey information to everyone. So this video, many of the people from different parts of the world, different parts of the state will see this video. So here I'm in Andaman and I'm telling you, please come to Andaman. You'll love the beaches, you'll love the places all over here. Sir, first of all, I want to know your name. Anmol naam hai mera. Sir? Anmol. Aap kahan se aaye hain sir? Delhi se. Delhi se. Aap Andaman pe kab visit kiya aapne? Humne parso visit kiya hai 6 tarikh ko. Kahan kahan ghuma aapne abhi tak? Abhi cellular jail gaye hain hum. Bahut acha laga dekh ke. Ghabrahat bhi ho rahi thi ki yaar kaisa jail hai. Par acha bhi laga, achhi place hai. Aur abhi fir hum beach pe gaye the paas mein. Aaj hum Havelock mein ja rahe hain. Bahut acha lag raha hai sir. Peaceful place hai. Bahut achhi place hai sir. Peace hai bahut. फर्स्ट मेरा पहले प्रेफरेंस था मालदीव्स का, बट मालदीव्स कैंसिल करके हम अंडमान आए. सर पहले तो आप ये बताइए आपका शुभ नाम क्या है? आरके त्रिपाठी. त्रिपाठी जी हैं हमारे साथ. और सर आप कहाँ से आए हुए हैं? मैं दिल्ली से आया हूँ और मैं गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ, LTC पे आया हुआ हूँ. देखने में तो खैर बहुत खूबसूरत है अंडमान, इसमें कोई शक नहीं है. सर्विसेज बहुत अच्छी हैं, स्पेशली जिन लोगों से मैंने इंटरेक्ट किया है, ड्राइवर से लेके जो भी होटल सर्विसेज में जो लोग हैं बहुत पोलाइट हैं और बहुत अपने लोग लगते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है. बस मुझे एक पॉइंट जो लगा है जिसमें हम एड्रेस कर सकते हैं वो ये है कि रेट बहुत हाई हैं, जो भी ट्रांसपोर्टेशन है या इवन जो आपका सी स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी हैं उनमें मुझे रेट हाई साइड लगे हैं. उसमें गवर्नमेंट अगर कुछ अलाउ करेगी तभी, क्योंकि टूरिस्ट से रिलेटेड है तो वो उसमें इम्प्रूवमेंट होना चाहिए. बस कुछ ही देर में दोस्तों हम Havelock के लिए रवाना होने वाले हैं, लेकिन इससे पहले एक छोटा सा सवाल हम हमारे साथ जो बैठे हुए सर हैं जो अंडमान घूमने आए हुए हैं उनसे कुछ दो चार सवाल पूछेंगे हम. पहला तो सर आपका शुभ नाम? संजय ठुकराल. कहाँ से आए हैं सर आप? गुड़गांव. Gurgaon, Delhi se. Andaman is a nice place and it was for long I have been thinking about coming to this place. So that is why we decided this time to come to Andaman. And we have heard a lot about this place now. Like we have been to Goa, Kerala, all those places. We wanted to see the beaches over here. That is why we have come to Andaman. Anniversary. ये अभी तक सर और मैम जो आए हैं 25th अपनी वेडिंग एनिवर्सरी के लिए आए हुए हैं. अंडमान ऑनलाइन चैनल की तरफ से और मेरी तरफ से इन लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं. इनकी जोड़ी ऐसे ही बनी रहे और ये देश दुनिया ऐसे ही घूमते रहें. थैंक यू जी. थैंक यू. थैंक्स अ लॉट. थैंक यू. तो हम पहुंच चुके हैं स्वराज द्वीप पे. मेरे पीछे आप जो बोट देख रहे हैं इसी पे हमने सफर किया था. ये है माय क्रूज. मैं बता दूं आप लोगों को कि ये एक लग्जूरियस बोट है, यात्रा करने में बहुत ही सुखद. जैसा कि आप देख रहे हैं जितना लग्जूरियस ये बाहर से दिख रहा है उतना ही अंदर से भी है. तो मैं आप लोगों से, जितने भी हमारे टूरिस्ट हैं बाहर से आने वाले, मैं उनसे कहूंगा कि वो अंडमान आए और स्वराज द्वीप पे आना चाहते हैं तो प्लीज एक बार वो माइक्रोस पे जरूर सफर करें. अब आगे देखते हैं मेरी जर्नी स्वराज द्वीप की कैसी रहती है. तो बने रहिएगा हमारे अंडमान ऑनलाइन चैनल के साथ.